वेलकम फ्रेंड्स, मान और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, लेकिन खुद को टूटने ना देना, क्योंकि अगर खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। जी बिल्कुल, शाम के 7 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास आपके बताए गए शेड्यूल के अनुसार शुरू हो चुकी है। आपको पहले मैं बताना चाहता हूं कि 3 दिन आपकी कक्षा 7 की गणित होती है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को। 3 दिन आपकी कक्षा 4 की गणित इस समय चल रही है, जो कि मंडे, ट्यूजडे, फ्राइडे को होती है। तो चलिए देखते हैं सर्वसमिका और समीकरण, यानी कि कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 1E, इसमें के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैथ आसान है और हम आपको मैथ आसान करके दिखाएंगे, अगर आप सभी क्लास देखेंगे तो। डिस्क्रिप्शन में आपको हो सकता है और भी क्लास की लिंक मिल जाए, उन्हें देख लीजिएगा, वरना आपको ये नंबर वगैरह दिए गए हैं, इन पे कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको पूरी 100 से अधिक क्लास दिखाई जाएगी। पहला सवाल है x+3 का होल स्क्वायर। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4-5, इनमें से आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अक्सर लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिनको नहीं आता वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस थोड़ा सा हौसला बना करके रखेंगे, हम उनको सही उत्तर दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, सर्वसमिका a+b का होल स्क्वायर इक्वल a2+b2+2ab की सहायता से निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये सर्वसमिका का प्रयोग करना है और इन सब के मान निकालना है। तो भाई खटाखट इसको हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। देखिए कैसे, पहले हम समीकरण लेंगे जो भी हमें दिया गया है, लेकिन उसको सही सही लिखेंगे। आपने देखा होगा जहां पर ईंट बनती भट्ठे पे, वहां पे एक सांचा होता है और उसी में मिट्टी भर भर के ना वो लोग क्या करते हैं, उसको पलटते जाते हैं और फटाफट ईंट बनता जाता है। तो वैसे हमें ये जो सांचा है ना, इसी में इस क्वेश्चन को भर के पलटना है और फटाफट उत्तर निकलता जाएगा। कैसे, देखिए x+3 का होल स्क्वायर है ना, और ये है a+b का होल स्क्वायर, सेम टू सेम, वैसे जैसे एक इंसान दूसरे इंसान की तरह होता है, उसके भी एक मुंह होता है, दो हाथ पैर होते हैं, एक सिर होता है, वैसे इसमें भी देखिए उतने पार्ट है, बाकी ज्यादा नहीं है कि कहीं चार निकला हो इधर उधर, है ना। x की जगह पे a है और 3, यानी कि b की जगह पर क्या है, 3 है, है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 ब्रेकेट लगा, वहां भी लगा है, तो इधर साइड भी ऐसा ही होना चाहिए। लाइन को हम इसमें सेट करते हैं, x+3 का होल स्क्वायर, क्लियर, बराबर था तो आप भी बराबर लगाएंगे। अब जरा गौर करिए, ये सर्वसंख्या की सहायता से कहा है तो हमें इसकी हेल्प लेना जरूरी है। तो यहां पर ए था, ये इधर साइड ए का स्क्वायर हो गया ना, हमारा यहाँ पर एक्स है तो हम इधर साइड इसको एक्स का स्क्वायर करते हैं, तो क्या बुराई है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए बी था ना, लेकिन इस साइड जाके बी का होल स्क्वायर हो गया, इसकी चुरकी लग गई एक, तो लग गई ना, तो इसके बी की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो इसके हम 3 के भी चुरकी लगा देंगे, ये देखिए हो गया ना। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस था तो हम भी प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे तो कहीं 2 था नहीं, ये घात है इससे नहीं मतलब, तो ये 2 हम ऐसे लिख लेंगे, भाई सभी के लिए है वो, सार्वजनिक योजना है, लिख लिया। अब a और b का मान रखना है, a का मान हमने हर जगह x रखा है, b का मान 3 रखा है, तो हम इसको ऐसे चुपके से लिख देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के, हो गया कंप्लीट, बस इतना हमें हल कर लेना, हमारा उत्तर हमारे सामने आ चुका है। अरे जी हमारे ही सामने नहीं, आपके भी सामने आ गया है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, तो कृपया क्वालिटी चेंज कर ले सेटिंग से, अगर फिर भी आपको कुछ किसी भी वीडियो में गड़बड़ी आती है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, हमारी टीम आपका बिल्कुल प्रॉब्लम का ख्याल रखती है। 3 की घात 2 का मान 9 होता है, और ये प्लस 2x और 3 गुणा करेंगे 6x होगा। कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 9 कहां से आ गया, ये 6x कहां से आ गया, है ना आपत्ति। देखिए 3 की घात 2 का मतलब 9 कैसे होता है, ये 2 घात का मतलब ये होता बाबू कि इसको जितनी बार इसकी घात है ना उतनी बार लिख के गुणा करो, तो 2 घात है इसका मतलब 3 का गुणा 2 में, अब पहाड़ा तो आपको 3 का आता ही होगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 होता है, 3 3 का 9 या 3 3 जा 9, ओके अंडरस्टैंड, ये हो गया 9।
बट प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपको पहाड़ा याद करने में दिक्कत है ना, तो कमेंट करिएगा, हम आपको ट्रिक बताएंगे और आप 50 तक के पहाड़े आसानी से याद कर जाएंगे, बिल्कुल एकदम हलवा जैसे, बहुत आसान। देखिए ये 6x कैसे आया, सिंपल सी बात है, आपको 2 का x और 3 में गुणा करना है। मैंने आपको बताया था अगर आप पानी में दूध मिलाओगे या दूध में पानी मिलाओगे तो मिल जाएगा, लोग देख नहीं पाएंगे उसको, मतलब सामान्य आंखों से नहीं देख पाएंगे, वैसे तो अनुमान लगा लेते हैं लोग, है ना। लेकिन अगर आप पानी में तेल मिलाओगे ना तो उसको हर कोई देख लेगा आसानी से। तो सिंपल सी बात है कि पानी में जो है तेल वो नहीं मिलता है, तो वैसे ये मान लीजिए कि क्या है, ये तेल है, ये पानी है, ये भी पानी है, कुछ भी आप मान लीजिए, तो जो जो एक समान है वो तो आपस में मिलगुल जाएंगे, मिलगुल जाएंगे मतलब 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बट ये x ना ऊपर तैरता रहेगा, उसके साथ में मिलके खत्म नहीं होगा कि ये 6 है तो 8 बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ये इसी के बगल में लगा रहेगा साइड में बस, बाकी ये और कुछ नया प्रोडक्ट नहीं तैयार करेगा। तो इस तरह से आ गया था 6x। अब अगर आप अपनी दोनों आंखों को खोल करके देखें तो आपको इसमें कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, आ रहा होगा ना, कौन सा? अब आप कह रहे होंगे कि भाई यहाँ तो 9 है, यहाँ 6x है, ऐसा तो इसमें कोई है ही नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाकर देखिए, इसको हम 6x को इधर लिख सकते हैं और 9 को इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2 को 3 में जोड़ते हैं, 3 को 2 में जोड़ते हैं, उत्तर वही आता है, सेम वैसे जैसे चाकू पर तरबूज गिराए या तरबूज पर चाकू गिराए तो कटेगा तरबूज ही, समझ गए ना। ये सब हम आपको एग्जाम्पल क्यों देते हैं, जैसे कि आपको ये चीजें भूले ना कभी, बाकी पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए सही है ना, बी वाला, नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आपके सामने से हट जाता हूं, उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए आ चुका है, जल्दी करें। देखिए टाइम कुछ भी लग जाए लेकिन समझ में आने की गारंटी होती है, और इसीलिए पीबीआर स्टडी लाखों फैमिली का फेवरेट चैनल बन चुका है। जी बिल्कुल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और लाइक कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लाइन में आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा। देखिए इसके जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने दिखाए जा चुके हैं, जल्दी से आप लोग अपने अपने विचारों को कमेंट करें, अपना अपना मत प्रकट करें, और फिर हम अब दिखाते हैं आपको अपना मत क्या है। देखिए मित्रों, ये 2+x का होल स्क्वायर था, इसको मैंने यहाँ लाके प्लेस कर दिया, इसके ऑप्शन यहाँ पे है, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, हो गए सभी के कमेंट्स। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपकी जो टीम है ना लगातार आपके वर्क के लिए लगी हुई है, जल्दी आपका ब्रॉडबैंड लगने वाला है, और फिर आपकी क्लास जो 10-15 मिनट की होती है, ये 10-15 मिनट नहीं बल्कि 90-120 मिनट की होने लगेगी, ठीक है ना। चलिए रख देते हैं, सूत्र हमें दिया गया था a+b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab, यही दिया गया है ना, इसको आप 2ab इधर करके b को उधर भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, यहां पे लाके इसको हम इसी में सेटल कर देंगे, ये a का होल स्क्वायर। फिर से देखिए, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे घात दुई थी ना, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 हो गया, b की जगह पे x हो गया, घात दुई की जगह पे घात दुई हो गई, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना करके सुंदर से लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर बन गया, तो आप इस 2 को भी 2 का स्क्वायर बना दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, लिपा पोती नहीं अच्छे से, और ये प्लस था ना तो यहाँ पे भी प्लस लगा दिया। ये देखिए यहाँ b था, यहाँ b का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे जो x है इसको भी x का स्क्वायर बना दो, फिर क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ प्लस था, ये प्लस हो गया, ये 2 को 2 ऐसे उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं 2 नहीं था अंदर में, वो सूत्र में आता है। फिर a और b का मान रख दीजिए, a का मान 2 रखा है, b का मान देखिए x रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 2 और ये x, इस तरह से इसे हल कर लेंगे, 2 × 2 = 4, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, इसका 2 में गुणा हो जाएगा तो ये 4 हो गया और ये x। देखिए बहुत अजीब सा आ रहा ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, तो x की घात 2 वाला पहले लिख लो, फिर 4x और फिर 4, समझ में आ गया ना बच्चा सभी लोग को। देखिए हम अगर भैया बोलते हैं तब भी प्रॉब्लम है, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो बच्चा बोलना अच्छा रहेगा, ठीक ना। चले आगे, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताएं तुरंत, नहीं दिक्कत ना कोई, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप सभी लोग करेंगे, और हम अभी और भी सवाल देखेंगे, भागिएगा नहीं, अभी घंटी नहीं लगी है,
ठीक है ना। ये सवाल हम जो आपको लिख के दे रहे हैं ना, इसको आप लोग घर से करके लेके आएंगे और व्हाट्सएप नंबर पे इसको फोटो भेजेंगे और उत्तर को इसी वीडियो में पुनः लौट के आएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को कहीं भागेगा नहीं, हिस्ट्री में रहेगा आपके यूट्यूब के, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं पीवीआर स्टडी नाम से, मिल जाएगा ये वीडियो फिर से। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जो इसे आप हल करके लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको भी आप हल करेंगे। और जो लोग हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, वो अवश्य हल करेंगे, बाकी लोग करें या ना करें, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैथ आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आप इसे अवश्य हल करके और व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ये देखिए मैंने कुछ सवाल यहाँ पे आपके लिए दे दिए हैं, आप लोग इनको हल करके अवश्य भेजेंगे। और अगर नहीं भेजेंगे तो आपको आए फिर या ना आए फिर उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये पांच सवाल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और सभी लोग करेंगे, पूरी उम्मीद है करेंगे ना। नोट कर लीजिए। अभी मैं आपके सामने से हट रहा हूं, आपको पूरा दिखेगा। यहाँ पे हम कुछ जानकारी लिख रहे हैं, आप लोग उसे भी समझ लें फिर आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, ये आप देख रहे हैं अनअकैडमी, इसीलिए मैं इसको भी पहना हूँ। अनअकैडमी को अवश्य फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पीवीआर स्टडी को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर फॉलो करें और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। इतना ही नहीं, पढ़ाई से संबंधित अपनी समस्या के समाधान के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pvrstudy.com। जल्द ही हम आपके लिए पीवीआर स्टडी का एप्स भी लाने वाले हैं, जो कि आप अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये आपने सुना होगा मैथ आसान है। जी बिल्कुल, मैथ आसान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप मैथ आसान है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासें आसानी से मिल सके, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको वहीं पे बगल में लिंक मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर आए या फिर यूट्यूब पर सर्च करें PVR Study, पी फॉर पैरट, वी फॉर वेजिटेबल, आर फॉर रेड, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये क्लास मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करें, पीवीआर स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये क्लास पीवीआर स्टडी पे देख रहे हैं तो मैथ आसान है को सब्सक्राइब करें, सभी चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो की क्वालिटी कैसी थी जरूर बताइएगा, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया।